देखिए थायराइड ग्रंथि जो हमारे गले में हमने बात की उसके पीछे की तरफ ये पैराथायराइड ग्रंथि स्थित होती है और इससे दो प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, एक तो है पैराथार्मोन और दूसरा है कैल्सिटोनिन। पैराथार्मोन जो हार्मोन है वो हमारे रक्त में जब कैल्शियम की कमी हो जाएगी तब ये स्रावित होता है और कैल्शियम की अधिकता होने पर कैल्सिटोनिन हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, तो एक तरह से कैल्शियम की मात्रा को, रक्त में जो कैल्शियम की मात्रा होगी उसको, उसके लेवल को कंट्रोल करने के लिए ये दोनों हार्मोन कार्य करते हैं। अगर कैल्शियम ज़्यादा हो गया तो उसको कम करने का काम कैल्सिटोनिन करेगा और अगर कमी हो गई तो उसको बढ़ाने का काम पैराथार्मोन करेगा। ठीक है मित्रों, इसके अलावा जो ये ग्रंथि है पैराथायराइड, ये हमारे शरीर की हड्डियों और शारीरिक विकास के लिए भी ज़रूरी है और जैसे कि हमने बात की कि यह ग्रंथि हमारे रक्त में कैल्शियम और साथ में फास्फोरस भी, ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियमित या कंट्रोल करने का कार्य करती है। और देखिए अगर पैराथार्मोन हार्मोन जो है इसकी अगर मात्रा अगर संतुलित नहीं रहेगी हमारे शरीर में मित्रों, तो हमारी हड्डियों में छोटे छोटे क्या हो जाते हैं, छिद्र हो जाते हैं, अर्थात हड्डियां जो है वो बिल्कुल ही कमज़ोर हो जाएगी, बिल्कुल उसमें छेद हो जाएंगे और उसमें फ्रैक्चर का डर हो जाता है क्योंकि बहुत कमज़ोर हो जाएगी हड्डी तो वो जल्दी टूट जाएगी और इस प्रॉब्लम को, इस बीमारी को हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। और अभी हम बात करेंगे थाइमस ग्रंथि। देखिए थाइमस ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है थाइमोसिन और यह ग्रंथि हमारे जो हृदय है, हार्ट है, उसके बिल्कुल पास में स्थित होती है। और इसके वर्क क्या क्या है हमारे शरीर में, देखिए शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को सक्रिय करने और उसको बढ़ाने का काम ये करती है। कौन सी ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि। और देखिए थाइमस ग्रंथि जो है वो जब बच्चे होते हैं उनमें अधिक सक्रिय होती है, ठीक है, वहाँ ज़्यादा काम करती है बच्चों में और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है ये ग्रंथि जो है थोड़ी थोड़ी निष्क्रिय होती जाती है और एक समय आता है जब ये ग्रंथि बिल्कुल निष्क्रिय हो जाती है। जब व्यक्ति पूर्ण वयस्क हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो ये ग्रंथि फिर एक तरह से बिना काम की ग्रंथि हो जाती है। ठीक है, तो इसकी अधिकता हो गई तो क्या होगा, ठीक है, अगर थाइमस ग्रंथि से निकलने वाला जो हार्मोन है थाइमोसिन, अगर उसकी अधिकता अगर हो गई, वो अधिक मात्रा में निकलने लग गया तो हमारे शरीर पर क्या होगा। देखिए आपको पता है कि जब आपके जुकाम वगैरह जब हो जाता है तो हमें गले में इस जगह पर कुछ भी जब हम खाते हैं पीते हैं तो हमें निगलने में बड़ा डर सा अनुभव होता है, यहाँ पर वो प्रॉब्लम होती है टॉन्सिलाइटिस। ठीक है, तो यहाँ पर टॉन्सिल जो है वो बढ़ जाते हैं इस हार्मोन की अधिकता की वजह से और उसी वजह से हमें निगलने में दिक्कत महसूस होती है, परेशानी महसूस होती है। तो एक तो इसकी ये प्रॉब्लम हो गई अधिकता की वजह से टॉन्सिलाइटिस और कमी का मैंने बता दिया कि यदि अगर ये कम, इसकी जो हार्मोन है वो कम निकलेगा तो प्रतिरोधक क्षमता पर असर पड़ेगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह के वीडियोज़ आने वाले समय में देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, पास में दिए हुए घंटी के निशान को क्लिक करें और वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ में और इसी तरह से हमारे चैनल से जुड़े रहें जिससे कि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी तरह से कर सकें। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।